चौथा पी है परसीवरेंस, निरंतर प्रयास, लगातार कोशिश। दुनिया में वही फेल होते हैं, वे लोग कभी भी सफल नहीं होते हैं जो लगातार कोशिश नहीं करते। जिस दिन कोशिश करना बंद होता है, एक्चुअली हार उसी दिन होती है। जब तक आप कोशिश करना जारी रखे हैं, कितनी बार आप हारे हैं लेकिन आप असफल नहीं हुए हैं। हारना, असफल होना, दोनों बातें अलग अलग हैं। जिस दिन आदमी असफल होता है, जब वो कोशिश करना बंद कर देता है। क्या लगातार कोशिश की जा सकती है कि नहीं? डायमंड बनने का लगातार प्रयास किया जा सकता है कि नहीं? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस शख्स को टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन ने इंजीनियर पद के लिए फेल कर दिया था, लेकिन सोईसरो ने आस नहीं छोड़ी और होंडा कंपनी की स्थापना की। जिसको इंजीनियर बनाने के लिए लोग तैयार नहीं थे, उस आदमी ने टोयोटा से बड़ी कंपनी बना दी, होंडा। उसे 20th सेंचुरी फॉक्स ने अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उनके मुताबिक वो आकर्षक नहीं थी। फॉक्स को उस समय शायद एहसास नहीं होगा कि मर्लिन मुनरो मरने के इतने सालों बाद भी लोगों के दिलों की धड़कन बनी रहेगी। बात समझ में आ रही है? उसके संगीत टीचर ने कहा था कि उसमें संगीतकार बनने की काबिलियत नहीं, ना के बराबर है, लेकिन बीथोवन का संगीत आज भी जिंदा है। आकाशवाणी ने उसे कहकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया था कि आपकी आवाज बहुत मोटी और भारी है। वो आदमी अपनी बुलंद आवाज के साथ करोड़ों लोगों के दिल पर राज करता है, अमिताभ बच्चन। क्या किया इन सब लोगों ने? लगातार कोशिश, लगातार कोशिश। और हारे, हारना, असफल होना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप आज से पहले एक मानते होगे ना, आप अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, दो पहलवान लड़ाई लड़ रहे हैं और दोनों पहलवान लड़ाई लड़ते में एक पहलवान नीचे आ जाता है, असफलता है। मुक्केबाज मुक्का मार रहा है, दूसरे मुक्केबाज को चार मुक्के लगातार पड़ जाते हैं, असफलता है। जिस टाइम कोशिश करना बंद हो जाता है, असफलता उसी क्षण आती है। जब तक कोशिश लगातार रहती है, तब तक असफलता आपके आसपास भटक नहीं सकती है। दुनिया का कोई भी गेम हो, दुनिया का कोई भी गेम हो, क्या लगातार कोशिश की जा सकती है कि नहीं? असफलता जिस समय आती है, जिस समय आप मान लेते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, है कि नहीं? इन सभी महान लोगों के जीवन से दुनिया की एक ही बात बताने की कोशिश की है, अगर आप खुद पर यकीन रखते हैं तो दुनिया आपके बारे में कुछ भी सोचे, अगर आप लगातार कोशिश करते हो तो आप सफल होकर ही रहोगे। समझ मारा? हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से बाहर निकाल दिया गया था एक आदमी, जो कि आज बास्केटबॉल टीम का हीरो है, माइकल जॉर्डन। जेके राउलिंग, असफलता का सामना, पति की मौत, जीवन यापन का संकट। जेके राउलिंग एक औरत है जिसके पति की बहुत जल्दी मौत हो गई। जिसके पति की मौत हो जाती है, उस औरत के हाल बेहाल हो जाते हैं कि नहीं? एक छोटी सी बेटी थी अपने पास, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था कुछ भी काम करने का, और यूएसए में, अमेरिका में जो आदमी सबसे गरीब हो सकता है, उस गरीबी की हद तक ये औरत पहुंच गई थी। लेकिन इसकी कल्पना शक्ति, लगातार प्रयास, एक औरत और उसकी बेटी, उसकी शक्ति और उसका एक पुराना टाइपराइटर, उसने दुनिया का सबसे बड़ा इतिहास लिख दिया। जेके राउलिंग, जो कि हैरी पॉटर की लेखिका है। कितनी किताबें लिखी हैं पता है? और कितनी पिक्चरें बनी हैं इस औरत की हैरी पॉटर पर?
और कितना लोगों ने पैसा कमाया है इसकी वो कृति से जो इन्होंने लिखी है। असफल एक्चुअली आप जब होते हैं जब आप कोशिश करना बंद कर देते हैं। एक आदमी की कहानी बड़ी मशहूर है, 21 साल की उम्र में व्यापार में नाकामयाब, 22 साल की उम्र में चुनाव हार गया, 24 साल की उम्र में व्यापार में नाकामयाब, 26 साल की उम्र में पत्नी मर गई, 27 साल की उम्र में मानसिक संतुलन बिगड़ गया, 34 साल की उम्र में कांग्रेस का चुनाव हार गया, 45 साल की उम्र में सीनेट का चुनाव हार गया, 47 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति बनने से रह गया, 49 साल की उम्र में सीनेट का दोबारा चुनाव हार गया, 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। इतनी बार आ रहे हो क्या आप? और इतनी बार हार के खड़ा हो पाओगे? पत्नी मर जाती है तो आदमी रो रो के कटोरा भर देता है कि सब अब दूसरी कैसे आएगी, क्या होगा, एक ही मिली थी है? अपने गैराज में एक कंपनी खोली, नाम रखा बायोकॉन। ये कंपनी एंजाइम बनाती थी। 70 के दशक में एंजाइम को कोई समझता नहीं था। बैंक ने लोन नहीं दिया क्योंकि औरत को लोन नहीं मिलता था, आदमी गारंटर नहीं था क्योंकि कोई आदमी गारंटर नहीं था, लेकिन 2004 में उनकी कंपनी 1 अरब का आंकड़ा पार कर गई थी। ये हैं बायोकॉन कंपनी के मालिक मजूमदार। समझ में आ रहा? 21 साल की उम्र में गैराज में कंप्यूटर बनाया, 25 साल की उम्र में दौलत $200 मिलियन, 26 साल की उम्र में टाइम मैगजीन के कवर पेज पर फोटो आया, 1985 में जॉब स्कली जो कि इनके पार्टनर थे उन्होंने इनकी कंपनी से, इन्हीं की कंपनी से इनको बाहर निकाल दिया, जिसको खुद नौकरी पर इन्होंने रखा था जब वो पेप्सी के कंपनी हेड थे। जिसको आप रखते हो अपने साथ वही तुम्हें अपनी कंपनी से बाहर निकाल देता है, लेकिन आप हारते नहीं हो। उसके बाद इन्होंने दूसरी कंपनी की स्थापना की, लेकिन हार नहीं मानी, अपनी एक और कंपनी नई बनाई जिसका नाम नेक्स्ट रखा गया। फिर वही कंपनी के जो पुराने इनके जो दोस्त थे उनको लगा कि बिना इसके कंपनी नहीं चल पाएगी ना तरक्की कर पाएगी, उन्होंने नेक्स्ट को खरीद लिया और दोबारा से इनको जब अपने साथ शामिल किया, एप्पल कंपनी के मालिक। अगस्त 1992 में मणिरत्नम की रोजा फिल्म हिट हुई, इसके संगीत ने लोगों का दिल जीत लिया। इसका संगीत 25 साल के एक शर्मीले युवक ने लिखा था, दिया था। और हैरानी की बात यह है कि इस नौजवान की पहली फिल्म थी। बचपन में पिता का देहांत हो गया, बचपन में ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी सहनी पड़ी। इस व्यक्ति का नाम है यार रहमान। क्या इतने दुखी हैं हम? इतनी तकलीफ है हम पे? इतनी परेशानी है? 2 हफ्ते चेक नहीं आता है, आदमी शर्ट पैंट उतार के बैठ जाता है। सर कुछ नहीं होता, सर 2 हफ्ते से चेक नहीं आया। सर बात समझ में आ रही है? गेटी ने एक बार कहा था कि एक बार कोई आदमी अपनी कोशिशों में नाकाम हो सकता है, लेकिन वो तब तक असफल नहीं होता जब तक कि वह अपना दोष दूसरों पर मढ़ने ना लगे। 2 गलतियां करते हैं हम लोग, एक छोटी सी हार को असफलता मान लेते हैं और उस असफलता की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, जिसको बोलते हैं कि सर अपलायन अच्छा नहीं है। सर टीम जो खराब हुई है ना, अपलायन ने अगर साथ दिया होता तो सर बताइए। आदमी एक बार कोई आदमी अपनी कोशिशों में नाकाम हो सकता है, लेकिन वो तब तक असफल नहीं होता जब तक कि अपना दोष दूसरों पर मढ़ने ना लगे। समझ में आ रहा है? ओपेरा विनफ्रे का शुरुआती जीवन बहुत खराब रहा। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, उनके रिश्तेदारों ने उनका यौन उत्पीड़न किया था, 14 साल की उम्र में गर्भवती हो गई थी, लेकिन कभी किस्मत ने नहीं कोसा, टेलीविजन टॉक शो में एंकर बनी, चर्चित टॉक शो में सेलिब्रिटी बनी और अमेरिका की नंबर 1 सेलिब्रिटी बनकर दिखाया।
सफलता हमें बहुत थोड़ा सिखाती है, सफलता हमें बहुत थोड़ा सिखाती है, यह असफलता ही है जो हमें सोचने पर, कड़ी मेहनत करने पर बाध्य करती है। छोटी सफलता अगर किसी को मिल जाती है तो पक्का है कि कभी बड़ी सफलता उसको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो छोटी को बड़ी मान के कभी भी अपने बारे में कुछ भी और सोचेगा। भगवान की ये डिजाइनिंग है कि भगवान कभी ऊपर चढ़ाता है, कभी नीचे गिराता है, कभी ऊपर चढ़ाता है, कभी नीचे गिराता है, कभी ये लेग बंद कर देता है, कभी इस लेग को चलाता है, कभी यहां से चेक आते हैं, कभी यहां से चेक नहीं आते, कभी अजमेर ऊपर जाता है, कभी क्योंकि भगवान तेरी गलती को तुझे कैसे बताएगा अगर ये ना करे तो, मुझे ये समझा। कान में फूंकने आएगा कि सचिन जी थोड़ा सुधर जाओ, अभी चेक बंद करवा दूंगा, नहीं तो बंद करके ही एक्चुअली वो बताता है कि तू वो नहीं कर रहा है जो तुझे करना चाहिए। थैंक यू। सफलता नो डाउट हमें सिखाती है, सफलता नो डाउट हमें सिखाती है, लेकिन सफलता हमें बहुत थोड़ा सिखाती है। ये असफलता ही है जो हमें सोचने पर और कड़ी मेहनत करने पर बाध्य करती है।